हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस आज के वीडियो में हम जानेंगे यात्रा के निर्देश की ओर इसकी भाषा शैली और भाषागत विशेषताओं को उदाहरण के साथ तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके साथ ही एम से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम जानते हैं कि यात्रा वृतांत एक साहित्यिक विधा है अतः उसमें भाषा शैली और शिल्प कलात्मक है सही कला तत्व है जैसे विधवा रानी के यहाँ आतिथ्य का प्रसंग या सराहन की कथा कई प्रसंग को दीप्त करने के लिए लेखक अपने पूर्व के अनुभवों में जाता है और संस्मरण का सहारा लेता है जैसे 1926 में महाराजा पद्म सिंह से भेंट और उस समय सराहन वैभव की स्मृति यही डायरी पद्धति के अनुरूप यात्रा में आरंभ की तिथि और समय का तथा गंतव्य स्थान पर पहुंचने के समय को टोकना सत्ताईस मई को रामपुर से प्रस्थान किया अठारह मई दिन मंगल ईसवी साके उन्नीस सौ अड़तालीस का ब्रह्म मुहूर्त तेईस मील की यात्रा पूरी करके साढ़े पाँच बजे की नचार पहुँचे उन्नीस मई को सवेरे ही उठे शोच मुँह धो धाकर ढिल्लन साहब के यहाँ चाय पी और वार्तु का पुल समुद्र तल से बावन फुट पर है विषय और प्रसंग के अनुरूप विविध शैलियों का प्रयोग किया गया है अर्थवर्णात्मक शैली है जैसे रचना के माध्यम से ही सही विवरणात्मक शैली जैसे रचना के अंतिम अंश में घोड़ी दुबली पतली लाकर दिया अथवा कहीं वर्तमान के वर्णन की शैली अपनाई गई है ऐसे स्थलों पर लगता है कि हम भी उनके साथ यात्रा कर रहे हैं शैली में कहीं पहाड़ी नदी का प्रवाह है और जहाँ लेखक टिप्पणी करने बैठ जाता है तो प्रवाह मंद मंथर हो जाता है लेखक आवश्यकतानुसार अपनी लेखन गति को तीव्र या मंद करता चलता है बंगला बंद था कोई मेला हो और पहाड़ी जवान वहाँ से अनुपस्थित हो यह क्या कोई होनी बात है मालूम हुआ चौकीदार साहब वहाँ गए हुए हैं आज रात को शायद ही लौटे मेला होता किसी बड़े शक्तिशाली देवता का ही किंतु उसमें डटकर शराब पीना नाचना गाना उससे आवश्यक चीज़ है आसपास की सारी तरुण सौंदर्य राशि जहाँ भूत होती है फिर वहाँ कहीं नहीं यही बैकुंठा मानने वाले क्यों पिछड़ेंगे इसके विपरीत रामपुर के गौरा तक भी नौ मील की यात्रा केवल दो वाक्यों में पूरी कर ली गई है अनावश्यक पुनरावृत्तियां इस रचना में नहीं है यात्रा मार्ग के वर्णन में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है अब चढ़ाई थी धूप सीधे बाएं से पड़ रही थी जिससे आर करने के लिए वृक्षों की छाया नहीं थी पहाड़ वनस्पति विहीन ना था चढ़ाई नरम इसलिए मालूम हो रही थी कि हम दूसरों की पीठ पर थे चढ़ाई दो मील रही होगी या ज्यादा उसे पूरा करने के बाद हम अवश्य देवदारुओं के सुंदर वन में थे सारे रास्ते का वह सुंदरतम भाग था सारा पर्वत तुंग सरल सदाह हरित देवताओं से ढका था बीच बीच में कुछ गांव भी मिले एक सड़क के नीचे पास ही था जिसमें मंदिर था व्यंग्य का प्रयोग रचना को रो रोचक बना देता है अच्छा देवताओं कोई परवाह नहीं तुम्हारे पास कपड़े में लिपटी। सत्यु की पोथी है सुनते हैं उसमें सोना नहीं पारस बनाने की विधि लिखी है यात्रा वेतांत की भाषा प्रायः सरल सहज और प्रवाहमय होती है इसमें साज सवार कलात्मक सौंदर्य लाने का प्रयास नहीं किया जाता प्रस्तुत यात्रा वेतांत की भाषा भी कुछ स्थलों को छोड़कर बोलचाल की भाषा है बीच बीच में कुछ शब्द और पद आ जाते हैं जो पाठक को दूरह लग सकते हैं जैसे कादम्बरी में वर्णित इंदिरादूत किन्नर प्रदेश की स्वयं प्रसुता उदूरवर्णी डाभी मंदिर सर्वत्र भाषा में प्रवाह है जिंदा दिली है और रवानगी है भाग्यवानों को यहाँ शिवु उदूर वर्णी भीतरी सुरा सुलभ रहेगी सिर्फ खयामों की आवश्यकता है साथ ही हजारों सुराही लिए यहाँ तैयार मिलेंगे शंपेन और बारंडी की मात करने वाली किन्नरी सुरा यहाँ मौजूद है मैं उसके घर में पहुंच गया हूँ किंतु अभाग्य के लिए क्या कहा जाए पानी में मीन प्यासी कहना चाहिए लेखक ने भाषा में प्रवाह बनाए रखने तथा अपनी बात को अधिकाधिक संप्रेषणीय बनाने के लिए उर्दू शब्दों जैसे खर्च आखिर बख्शीश और रियासत साथ ही अंग्रेजी शब्दों जैसे सेक्रेटरी, सर्वेंट पैंट कुछ देश शब्द और मुहावरों जैसे पंसेरी खच्चर भाड़ा समय नदारद थमकने लगना हवाले करना अंगूठा दिखाना ताक पर रखना इधर उधर करना गत बनाना दांत खट्टे करना दिल पर पत्थर रखना और लोकोक्तियों जैसे दाल भात में मसूल चंद होना वहाँ नहीं यहाँ बैकुंठा का प्रयोग किया है कुछ शब्द स्थानीय बोलिए के भी हैं जैसे खड्डू यानी नदी चूली यानी खुबानी आदि कहीं कहीं संस्कृत की उक्तियाँ भी आ गई हैं जैसे केनापी देवेन तेन तथा त्युक्तोस्मी तथा करोमी पौराणिक प्रसंग जैसे बाणासुर तथा उसकी भाभी की कथा यात्रा वृतांत को रोचक बनाते हैं और हमारा ज्ञानवर्धन भी करते हैं इस यात्रा वृतांत के कुछ दोषों का भी संकेत किया गया है जैसे सामग्री की अधिकता साहित्य साज सवार कथानक सौंदर्य का भाव तथ्यों की भीड़ पर प्रथम तो इसका कारण है लेखक का वैदुष्य अनुभव और ज्ञान का विशाल भंडार तथा दूसरा विषय की मांग उनके यात्रा वृत्तों में रोचकता और साहित्यिक सौंदर्य खोजना अनुचित होगा क्योंकि उन्होंने सामान्य पर्यटकों सैलानियों की छटा से यात्रा वृत्तान्त नहीं लिखे अदम्य साहसी ज्ञान पिपासु और जिज्ञासु शोधरता यात्री की दृष्टि से लिखे हैं किन्नर की ओर यात्रा वृत्तांत अन्य यात्रा वृतांतों की तरह निम्नलिखित बातों में भिन्न है पहला यह एक सामान्य सैलानी की दृष्टि से लिखा गया यात्रा वृतांत न होकर एक गंभीर विचारक जिज्ञासु और ज्ञान पिपासु व्यक्ति द्वारा लिखी गई रचना है दूसरा इसमें लेखक के हृदय की युवावस्था की मादकता सजीवता एवं रोमानी प्रवृत्ति झलकती है सौंदर्य और सुरा के संबंध में अपने विचार निसंकोच व्यक्त किए गए हैं तीसरा लेखक की टिप्पणियां आरोपित न होकर घटना और प्रसंग के अंग हैं, अतः वह पाठक पर अतिरिक्त बोझ नहीं रचना की गति के प्रवाह में आने से पाठक के विचारों को सहज ही प्रभावित करती है चौथा है इसकी भाषा सामान्य सरल बोलचाल की भाषा है पर साथ ही उसे पढ़कर लेखक के पांडित्य एवं बहुज्ञाता होने का पता लगता है पांचवा इसमें ऐतिहासिक एवं पौराणिक संदर्भ तो है ही प्रदेश की वर्तमान सामाजिक प्रशासनिक सांस्कृतिक जिंदगी का भी परिचय प्राप्त होता है छठा सामान्य यात्रा वृतांतों में स्थानों को दृश्य वस्तु मानकर उनका चित्रण किया गया है परंतु इस रचना में लेखक प्रदेश विशेष के ऐतिहासिक सांस्कृतिक और भाषागत संदर्भों में भी जाना जाता है सातवां इस यात्रा वृत्तांत में विपुल सामग्री है जिससे पाठक को प्रदेश के अतीत के इतिहास का बोध होता है वर्तमान रहन सहन लोक संस्कृति का सामाजिक प्रशासनिक समस्याओं का ज्ञान होता है पुरानों और धर्म ग्रंथों की जानकारी मिलती है तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वो वॉचिंग